शिलाई के लादी महल क्षेत्र को जो है आगे बढ़ाने के लिए और इसके लिए जो है बलदेव तोमर यहां पर पहुंचे। शिलाई की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बलदेव सिंह तोमर ने 1,80,00,000 रुपए की सौगात दी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने इस मौके पर कई भवनों का लोकार्पण भी किया। बलदेव तोमर ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिलाई क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत की गई है जिनको धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिलाई प्रवास के दौरान जो घोषणाएं की थी वो पूरी कर दी गई है। तो लादी महल क्षेत्र को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये सौगात दी गई है। करीबन 1,80,00,000 रुपए की सौगात मिली है। क्षेत्र की समस्याओं से जो है अब निजात मिल जाएगी लोगों को। बलदेव तोमर ने सीएम की इसे लेकर तारीफ की है। तो लादी महल क्षेत्र को जो है बलदेव तोमर की ओर से ये सौगात दी गई है। सीएम की तारीफ भी इसे लेकर उन्होंने की है। विधानसभा क्षेत्र में हमने लगभग 1.5 करोड़ की लागत से जो भवन बनकर तैयार हुए थे जिसमें कि हाई स्कूल अजरोली की एक बिल्डिंग थी, एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक की बिल्डिंग थी, एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रौनाड की बिल्डिंग थी और रौनाड में ही नायब तहसीलदार के जो रेजिडेंस की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी उन सबका कल लोकार्पण किया गया और लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से जो है जनता को समर्पित किए गए।